सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पस द कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देन देर आर टू सेक्सेज इन द सेक्शुअल रिपोर्डक्शन दे आर इन्वाल्व टाइप्स ऑफ गैमिट्स इन्वाल्व इन सेक्चुअल प्रप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स वट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज द मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अगर सिंपल वर्ड में इसको डेफिनेशन करूँ ये क्या हो गया कैसा रिप्रोडक्शन का मैथड जिसमें दो गैमीट्स से आपस में क्या कर रहे हैं फ्यूज़ हो रहे हैं एक दूसरे को फर्टिलाइज कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में हमारे पास एक ही होगी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स दूसरा हम ये डेफिनेशन कर सकते हैं इट इस मेथड ऑफ इट इज़ अ मेथड ऑफ़ रिप्रोडक्शन इन विच दियर इज अ फर्टिलाइजेशन इज इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन क्या है इसमें इन्वॉल्व है और थर्ड इसकी डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं कि इट इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच दर इज टू सेक्सेज आर इन्वॉल्व फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वन तो दो सेक्स जो हम इन्वॉल्व हैं मेल सेक्स अंधा फीमेल सेक्स तो सेक्श रिप्रोडक्शन में फिर नॉर्मली देर आर रिक्वायरमेंट इज फॉर टू सेक्सेज वन इज कॉल्ड मेल एंड अदर वन इज द फीमेल आमतौर तो पर जो मेल्स होते हैं दे प्रोड्यूस द स्पर्म्स जो फीमेल्स हैं दे प्रोड्यूस द एग्स तो मेल स्पर्म्स और एग के जब आपस में फर्टिलाइज करेंगे कंबाइन करेंगे तो उससे आगे नया यंग वन जो प्रोड्यूस होगा अब इसमें से जो मेल है वहाँ से एक जीन का सेट आ रहा है और दूसरा सेट ऑफ जीन कहाँ से आ रहा है फीमेल में तो जो यंग वन प्रोड्यूस होगा उसके अंदर जो जीनोम उसका होगा उसके अंदर आधे जीन जाएंगे आधा जीनोम जो है वो डी एन ए फादर से आया आधे डी एन ए मदर से आया तो एक नया जेनेटिक कम्बिनेशन बनेगा दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ये इसकी वैल्यू है सेक्चुरी रिप्रोडक्शन की कि नए जीन कंबिनेशन बनते हैं जिसकी वजह से यंग वन जो होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपने पेरेंट्स से तो टाइप्स ऑफ गैमिट्स अब दो तरह के चूंकि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है मेल एंड द फीमेल्स सो इट मीन देर टू टाइप्स ऑफ गैमिट्स आर इन्वॉल्व मेल गैमिट्स जो हैं दे आर कॉल्ड स्पर्म्स एंड फीमेल गैमिट्स आर कॉल्ड द एग्स अब जो गैमीट्स हैं दे आर एक्चुअली हैपेलॉयड्स यानी कि एग्स और स्पर्म्स दोनों जो है दे आर प्रोड्यूस बाय द मियोसिस प्रोसेस ये मियोसिस के थ्रू पैदा होते हैं एंड बोथ आर द हैपेलॉयड और जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो इनके कंबाइन करने से फिर अगेन जो है हमारे पास एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है सो हाउ द गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड गैमीट्स जो हैं ये आमतौर तो पर गोनेड्स के अंदर बनते हैं यानी कि मेल गैमीट्स जो है दे आर प्रोड्यूस द मेल गोनेड्स एंड फीमेल गैमीट्स दे आर प्रोड्यूसड इन द फीमेल गोनेड्स तो मेल गैमीट्स हैं स्पर्म्स और मेल गोनेड्स दे आर कॉल्ड द टेस्टिस सिमिलरली फीमेल गैमीट्स दे आर द एग्स और फीमेल गैमिट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर प्रोड्यूस इन द फीमेल गोनेड्स दे आर द ओवरीज तो स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस होंगे मेल गोनेड्स के अंदर और एग्स जो है वो फीमेल गोनेड्स के यानी कि ओवरीज के अंदर प्रोड्यूस होंगे स्पर्म्स की प्रोडक्शन का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म्स की जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसाइज होना तो स्पर्मेटोजेनेसिस इस तरह से जो एग की प्रोडक्शन है दैट इज कॉल्ड द ओवोजेनिस क्योंकि एग को ओवम भी कहते हैं तो बिकॉज एग इज़ आल्सो कल्ड ओवम तो ओवम की प्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे ओजेनसिस और एग की प्रोडक्शन को हम स्पर्मेटोजेनिस ओजेनिस और स्पर्मेटोजेनिस दोनों के अंदर मियोसिस होती है तो इसका मतलब कि ओवरऑल ये मियोसिस की प्रोडक्ट्स हैं एग भी और स्पर्म भी